केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद 1800 से अधिक आईएएस अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है। केंद्र ने इस साल जनवरी के अंत तक आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन अधिकारी हैं जो मानते नहीं। पीएम मोदी की सख्ती बेअसर, 1800 से ज्यादा आईएएस ने नहीं दिया अचल संपत्तियों का ब्यौरा, अधिकारी हैं जो मानते नहीं। मोदी सरकार ने अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर अधिकारियों को उनके प्रमोशन और मनोनयन पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके पीएम मोदी की सख्ती अधिकतर आईएएस अधिकारियों पर बेअसर है। जनवरी के आखिरी तक आईएएस अधिकारियों को अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना था, लेकिन अधिकारी हैं जो मानते नहीं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1856 आईएएस अधिकारियों ने 2016 की अपनी रिटर्न के बारे में नहीं बताया। जानकारी न देने वाले अधिकारियों में सबसे ज्यादा 255 आईएएस उत्तर प्रदेश कॉडर के हैं। दूसरे नंबर पर 153 अधिकारी राजस्थान कॉडर के हैं, जबकि तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के 118 आईएएस हैं, पश्चिम बंगाल के 109 और अरुणाचल, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कॉडर के 104 आईएएस अधिकारियों ने भी अपनी अचल संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उसके अलावा गुजरात कॉडर के 56 आईएएस, झारखंड के 55, तमिलनाडु के 50, नागालैंड के 43, केरल के 38, सिक्किम के 29 और तेलंगाना के 26 अधिकारियों ने इस बारे में सरकार को कोई ब्यौरा नहीं दिया है। कर्नाटक कॉर्डर के 82, आंध्र प्रदेश के 81, बिहार के 74, ओडिशा, असम और मेघालय के 72, महाराष्ट्र के 67, मणिपुर त्रिपुरा कॉर्डर के 64 आईएएस ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को देना जरूरी नहीं समझा है। नियमों के मुताबिक सिविल सेवा के अधिकारियों को भी अपनी संपत्तियों और कर्ज का ब्यौरा सरकार के समक्ष पेश करना होता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की इजाजत के बिना ये अधिकारी 5000 रुपए से अधिक का कोई तोहफा नहीं ले सकते। यहाँ तक कि अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों की ओर से 25000 रुपए से अधिक का कोई तोहफा यदि इन्हें मिलता है तो सरकार को इस बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उससे अधिकारियों की मनमानी का पता भी चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।